हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स अड्डा। दिस इज प्रियंका हियर। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। आज है 1 जुलाई 2022। तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड लेट्स स्टार्ट डेली करंट अफेयर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डेली करंट अफेयर्स बाय प्रियंका। ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। लेट्स स्टार्ट। हु हैज बिकम द सीएम ऑफ महाराष्ट्र? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। तो इसका सही जवाब है एकनाथ शिंदे। दोस्तों महाराष्ट्र में एक 10 डेज से लाइक 20 जून से बहुत ज़्यादा हलचल मची थी पॉलिटिक्स में। पहले महाविकास आघाड़ी था जिसमें शिवसेना था, राष्ट्रवादी कांग्रेस था और कांग्रेस था। ये तीनों की मिला के एक महाविकास आघाड़ी का सीएम जो थे वो थे उद्धव ठाकरे। इन्होंने वेंसडे को लाइक परसों उन्होंने रिजाइन दिया है सीएम के पद का। तो अभी जो नए सीएम हुए हैं वो हुए हैं एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना के लीडर। So he belongs to Shiv Sena and he has become now CM of Maharashtra. And Devendra Fadnavis, he belongs to BJP party. BJP party and he has become Deputy CM. Deputy CM. Eknath Shinde on Thursday took oath as a new CM and BJP leader Devendra Fadnavis was sworn in as his deputy CM. Who becomes the first player to win 80 matches in all four Grand Slams? Roger Federer, Novak Djokovic, Casper Ruud, Rafael Nadal. The answer is Novak Djokovic. So Novak Djokovic becomes the first player in history to win 80 matches in all four Grand Slams when he defeated Won Soon Woo 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 on center court, his 80th win in Wimbledon. तो विंबलडन में ये मैचेस हो रहे थे। तो देखो रोनाल्ड गैरोस उसमें भी उसने 85 विन हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी उसने 82 मैचेस जीते हैं। यूएस ओपन में 81, विंबलडन में अभी जो रिसेंटली उसने जीता था। सो ही हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल फोर ग्रैंड स्लैम्स। दोस्तों ये चार जो ग्रैंड स्लैम्स हैं ये बेसिकली टेनिस के लिए खेला जाता है। सो ग्रैंड स्लैम्स जो रहते हैं वो टेनिस गेम के लिए रहते हैं, टेनिस गेम के लिए रहते हैं। तो नोवाक जोकोविक ने चारों ग्रैंड स्लैम जो है उसमें 80 मैचेस जीते हैं, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, रोनाल्ड गैरोस। हु लॉन्चेस कैपस्टोन मिशन टू द मून? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, डीआरडीओ, नासा, इसरो। द आंसर इज नासा। तो नासा लॉन्च्ड कैपस्टोन मिशन टू द मून। द नासा रिसर्चर्स सक्सेसफुली लॉन्च्ड कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट टू द मून फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो ये कहां से गया है? न्यूजीलैंड से। द लॉन्च टू प्लेस ऑन द रॉकेट स्लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट। मिशन कैपस्टोन, व्हाट डज इट मीन? कैपस्टोन सी लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम, पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बिल नेल्सन और हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। नासा कब फाउंड हुआ है? 1 अक्टूबर 1958। हु लॉन्च्ड पद्मा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम? इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, नन ऑफ दिस। इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड पद्मा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। व्हाट इज पद्मा?
its payroll automation for disbursement of monthly allowance of monthly exam में ये इसका long form भी पूछ सकते हैं monthly allowance. What is that? Padma payroll automation for disbursement of monthly allowances. What is that? Payroll automation for disbursement of monthly allowances and automated pay and allowances module for Indian Coast Guard was inaugurated by Shri Rajneesh Kumar. Rajneesh Kumar, Controller General of Defense Accounts and Ministry of Defense. Rajneesh Kumar. So he inaugurated Padma, which is centralized payment system for Indian Coast Guard. The CGDA emphasized that the government has campaigned for Digital India to ensure dedicated services and reduce manual intervention at every level. So basically digitalize karne ke liye ye shuru kiye hai. Which IG drone has been awarded best drone organization startup category? Pune, Delhi, Kolkata, Chennai. Answer is Delhi. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल. तो दिल्ली बेस्ट ड्रोन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म लीडर आईजी ड्रोन्स हैव बीन अवॉर्डेड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय अवार्ड्स. हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बेन स्टोक्स, जो रूट, इयान मॉर्गन, जॉनी बेस्ट. इयान मॉर्गन He was England's captain. Ian Morgan. England's World Cup winning captain Ian Morgan retired from international cricket. Ian Morgan. Which of the following has launched wearable ATM cards and offline UPI? Visa, MasterCard, RuPay, Ace Money. The answer is Ace Money. Ace Money company has launched wearable ATM cards and offline UPI. Ace Money has launched UPI 123 pay payment and wearable ATM cards, and the UPI 123 pay payments allows people to carry out cashless transaction without smartphones or internet connection using feature phones. So Ace Money has launched UPI 123 pay payment and wearable ATM cards. The UPI 123 pay payments allows people to carry out cashless transaction without smartphones, without internet connection, using feature phones. Kilito Holohan judgment, which was seen in the news, is associated with which state? सिक्किम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात. तो महाराष्ट्र में रिसेंटली अभी जो पॉलिटिक्स का हंगामा चल रहा था, तो वहां पे एक बात आई थी कि हु तो होलाहन जजमेंट. अमिड द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र, द रोल एंड पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर आर बीइंग डिस्कस्ड. इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ किहिटो होलोहन वर्सेज जलीलू and others, the Supreme Court upheld the sweeping discretion available to the speaker in deciding cases of disqualification of MLAs. तो किही तो होलाहन जजमेंट जो है महाराष्ट्र स्टेट में देखा गया था, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा था. ऑन दैट बेसिस ये एक जजमेंट पास हुआ था. Rhyme scheme which was seen in the news is associated with which union ministry? Ministry of Education, Ministry of MSME, Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce and Industry. तो दोस्तों उद्यमी भारत करके एक न्यू दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था, उद्यमी भारत. तो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था फॉर रेजिंग रैम्प स्कीम. Raising
and accelerating MSME performance. दोस्तों MSME डे कब मनाया जाता है? 27 ऑफ जून. वॉट इज रैम? इट्स रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम. सो इट इज बिलोंग्स टू डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ MSME. ही ऑल्सो लॉन्च्ड टोटल 3 स्कीम्स. ही लॉन्च्ड वन इज रैम स्कीम एंड अनदर वन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स CBFTE एंड न्यू फीचर्स ऑफ द PM Employment Generation Program. Recently, Uddhav Thackeray led cabinet approved the renaming of two cities, Marathwada region of the state, Aurangabad and Usmanabad. तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने वेंसडे को रिजाइन दिया है उन्होंने एज अ सीएम पद. लेकिन जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद ये दो शहरों का नाम चेंज करके क्या डाले हैं? श्री कृष्णा नगर शिवपुरी, उद्धव ठाकरे नगर लाला लाजपत राय, संभाजी नगर एंड धाराशिव रामपुर बेलापुर. द आंसर इज संभाजी नगर एंड धाराशिव. तो औरंगाबाद का नाम जो है वो औरंगाबाद का जो है वो संभाजी नगर हुआ है. धाराशिव जो हुआ है उस्मानाबाद का हुआ है. अमिड द ऑन गोइंग पॉलिटिकल टर्मल इन महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे लेड कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द रीनेमिंग ऑफ टू सिटीज इन द स्टेट ऑफ मराठवाड़ा रीजन औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद एज संभाजीनगर एंड धाराशिव रिस्पेक्टिवली. What is Hermit, which was seen in the news recently? Missile satellite spyware vaccine. Hermit is a spyware. और ये basically iPhone पे attack करने के लिए Android devices in Italy और Kazakhstan में target कर रहा है. So Hermit is the name of the latest sophisticated spyware seen in the news. It is believed to have targeted iPhones and Android devices in Italy and Kazakhstan. The spyware has been developed by an Italian vendor called RCS Lab, and Google's threat analysis group put out a detailed blog post recently explaining how they believed Hermit was used to target devices. Businessman Puneet Balan and popular singer became the owner of 6th team of Ultimate Kho Kho League. Honey Singh, Daljit King, Arjit, it is Bacha friends. It's Bacha. तो पुनीत बालन जो बिजनेसमैन है उनके साथ बादशाह ने मिलके ओनरशिप ली है अल्टीमेट खो खो लीग के. A new color of Bollywood has been added to Ultimate Kho Kho. Popular singer Bacha and noted filmmaker developer sports enthusiast Puneet Balan have joined the league as a co-owner of a Mumbai franchise. Recently, who was elected the first woman speaker of the lower house of the French parliament? André Ajor, Elle Brown-Pivet, Marisol Tourne, Alexis Scholar. Elle Brown-Pivet. Yale Brown-Pivet, pivot of the French President Emmanuel Macron's centrist coalition, was elected the first female speaker of the lower house of the French Parliament. Khalid Times recently gave this information to its reports. So basically, first woman speaker hui hai lower house of the French Parliament ki. Unka naam hai Yale Brown-Pivet. Former PM of the country Atal Bihari Vajpayee. A film is being made. तो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है. तो उसका टाइटल क्या होगा? The country has to be taken forward, Atal. Whether I live or not, this country should remain, Atal. Educate all, Atal. National unity, Atal. The answer is whether I live or not, the country should remain, Atal. So whether I stay or not, this country should remain Atal. A film is being made on the country's former PM Atal Bihari Vajpayee. A film being made on former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Which Kollywood actor became the first Tamil actor to be invited for the Oscar recently? Surya, Karthi, Vijay, Ajit Kumar. The answer is Surya.
तो सूर्या ही हैज बिकम फर्स्ट कॉलीवुड एक्टर तमिल एक्टर टू बी इन्वाइटेड फॉर द ऑस्कर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। सूर्या इज अ तमिल एक्टर एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन प्रेस्टिजियस अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस एट द ऑस्कर्स। वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट ऑफ जून ऑन विच डेट 2022 30th जून 10 मई ऑगस्ट 2023 जुलाई द आंसर इज 30th जून। वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th ऑफ जून। द यूनाइटेड नेशन हैड अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे फ्रॉम जून 30 2017 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ एस्ट्रॉइड्स। इनफैक्ट ऑन जून 30 1908 देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन नियर टंगसका रिवर इन रशिया। चावल्लो कृष्णन कुंटी वॉज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद द बीच फील्ड राइटर लिरिसिस्ट जर्नलिस्ट ऑल ऑफ द अबव। ही वॉज राइटर ही वॉज लिरिसिस्ट जर्नलिस्ट सो बेसिकली ही वॉज दिस चावल्लो कृष्णन कुंटी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।